आप सब लोग वीडियो देखकर बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, बहुत हमें साहस मिलता है आप लोगों का ये कमेंट पढ़कर, बहुत हौसला बढ़ जाता है। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा और आप लोग इतना अच्छा कमेंट करेंगे। 100% पॉजिटिव रिस्पांस आता है, 100% पॉजिटिव कमेंट होते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। और कुछ लोगों का क्वेश्चन आया है कि नी पेन है, एंकल पेन है, तो उस कंडीशन में वेट लॉस के लिए क्या एक्सरसाइजेस करें, कैसे करें। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं या जिनको नी का पेन है या ज़्यादा ओवरवेट है, उनके लिए सिंपल से एक्सरसाइजेस है मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। 5 एक्सरसाइजेज जो स्पेशली थाइज और ग्लूट के लिए है, जो आप घर पर कर सकते हैं और बेड पर बैठकर कर सकते हैं। यदि आप फ्लोर पर नहीं बैठ पाते हैं तो बेड पर बैठ जाइए, लेकिन बेड थोड़ा हार्ड होना चाहिए, बहुत कुशन वाला बेड यूज मत करिए। तो इसके साथ एक मैं बात करते करते कुछ एक्सरसाइजेज आपको बता देता हूँ। इन एक्सरसाइजेस को करने से पहले आपको पहले टोज के एक्सरसाइजेस जो मैंने दूसरे वीडियोज में बताए हैं वो आप कर लीजिए एज ए वार्म अप। इस तरह से आप एज ए वार्म अप इसको कर लीजिए, फिर ऐसे रोटेशन का कर लीजिए, फिर दोनों पैर का ऐसे स्ट्रेच करने का कर लीजिए। इस तरह से 4-5 एक्सरसाइज एज ए वार्म अप आप कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो मसल्स हैं वो थोड़ा उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, लुब्रिकेशन, ये सब सारे बेनिफिट आप लोगों को बता चुका हूँ पहले भी। तो इसमें आपको ये सारी एक्सरसाइजेज बेड पर कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, ऐसे नी को बेंड करना है, स्ट्रेट करना है, और फ्लोर से टच नहीं करेंगे, फ्लोर से ऊपर ही रखेंगे। 10 रेपिटेशन से शुरू कर सकते हैं इसको, फिर 15-20 तक लेकर जा सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, जब नी को बेंड कर रहे हैं तो पूरा ये हील को बट से लगाने की कोशिश करेंगे, जब स्ट्रेट कर रहे हैं तो ऐसे जर्क के साथ नहीं कर देंगे, ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो नी पेन आपका बढ़ जाएगा, फिर आप नुकसान आपको हो जाएगा। इसमें ऐसे नहीं करेंगे, सिर्फ एक रिदम में ये स्ट्रेट करेंगे। पूरा स्ट्रेट होने से 5% पहले, 3% पहले आप रुक जाइए, मतलब 100% स्ट्रेट करने से 2-3% पहले रुक जाइए, फिर इस तरह से आपको कर लेना है, फिर ऐसे दूसरे लेग से करना है। तो मतलब स्ट्रेट तो करना है लेकिन 100% लॉक करके नहीं स्ट्रेट करना है, और जर्क तो बिल्कुल नहीं। इन बात को ध्यान में रखते हुए इसका इस एक्सरसाइज को करेंगे। फिर ये पहली एक्सरसाइज हो गई, फिर दूसरी एक्सरसाइज है इसी को साइड में स्ट्रेच करने के लिए। लेग को स्ट्रेट ही रखेंगे, हाथ को आराम से ऐसे पीछे रखेंगे रेस्ट करते हुए, और गद्देदार बेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सॉफ्ट बेड हो तो उस पर नहीं करेंगे, तब फ्लोर पर कर लीजिए, नहीं तो बेड नॉर्मल क्वायर वाला यदि है जो थोड़ा हार्ड है नॉर्मल, तो उस पर आप कर सकते हैं, बेड पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नी को इसमें सीधा रखना है, टोज को ऊपर अपवर्ड रखना है, और ऐसे इनहेल करते हुए स्ट्रेच, एक्सहेल करते हुए क्लोज। तो इस तरह से ब्रीदिंग का भी आपको साथ फायदा मिल सकता है। और ये सारे बड़े बुजुर्ग या जिनको भी प्रॉब्लम है, वो सब लोग जिनको नी प्रॉब्लम है या बहुत एक्सेस वेट है, ओवरवेट है, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उनसे नहीं बन पा रहा है, वो ये सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, सेफ है, काफ़ी अच्छी एक्सरसाइजेज है। हमारी तीसरी एक्सरसाइज है, ऐसे नी को बेंड कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे ऐसे लेग को, और एक हाथ को ऊपर उठाएंगे, एक्सहेल करते हुए 1, 2, 3, 4, फ्लोर से नहीं लगेगा, फ्लोर से हील को ऊपर ही रखेंगे, फ्लोर से टच नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक्सहेल करते हुए ऊपर, इनहेल करते हुए नीचे, एक रिदम में आपको मेंटेन करना है। अब जिससे इस तरह से नहीं होता है वो चाहे तो इस तरह से भी कर सकता है, सिंगल सिंगल लेग अप डाउन, या फिर दोनों लेग को स्ट्रेट करके इस तरह से अप डाउन आप कर सकते हैं, आपको सेम बेनिफिट मिलेगा। यदि ज़्यादा ओवरवेट हैं, टमी ज़्यादा बाहर है, तो फिर ये होल्ड करना मुश्किल हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप इसको मॉडिफाई कर लीजिए। चौथी एक्सरसाइज है रोटेशन की, इसमें लेग को ऊपर उठाएंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, बड़ा सर्कल बनाएंगे, और फिर एंटी क्लॉकवाइज आपको दोनों साइड से, एक साइड से नहीं करेंगे, दोनों साइड से आपको सर्कल बनाएंगे, और फिर वैसे ही दूसरे लेग से भी रिपीट कर लेंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरह से दोनों साइड से रिपीट करने के बाद ये एक्सरसाइज थाइस के लिए काफ़ी अच्छा काम करेगी। तो इसको भी 10-15 रेपिटेशन अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और पांचवी और लास्ट एक्सरसाइज हमारी है जो इन थाइस के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है, ऐसे नॉर्मली आप कंफर्टेबल पोस्चर पोजिशन बना लीजिए इस नी से, और ऐसे बेंड हो जाइए, और यदि आपको ओवरवेट है बहुत ज़्यादा, यदि हाथ वगैरह में दर्द हो तो यहाँ पिलो वगैरह ले सकते हैं, नीचे पिलो लेकर ऐसे सपोर्ट ले लीजिए, और लेग को ऐसे अप डाउन 1, और फ्लोर से टच नहीं करेंगे जैसे दूसरी एक्सरसाइजेज में था, वैसे ही इसमें भी फ्लोर से ऊपर ही रखेंगे, फ्लोर तक जाएंगे लेकिन कम से कम 1-2 इंच ऊपर से ही वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, और दूसरे साइड में भी ऐसे ही रिपीट कर लेंगे।
तो इस तरह से आपको 5 एक्सरसाइजेस का हमने सेट बताया, जिसको आप फॉलो करके थाइज और ग्लूट को कम कर सकते हैं। तो इन 5 एक्सरसाइजेस को करिए और पूरा हेल्थ बेनिफिट लीजिए और स्वास्थ्य आपका ठीक हो, स्वस्थ रहें आप, ऐसे हम दुआ करते हैं। चलिए, बाय बाय।